धन्यवाद नकुल भाई, मेरा काम जो ट्रैक्टर खराब हो रहा था बहुत बढ़िया ढंग से सुधार दिया, और इसीलिए भाई जात ट्रैक्टर बनाने जा रहे हैं हम। दिखाना चाहता हूँ आपको भी मैं कि ट्रैक्टर में क्या कमी है। देख बने रहो वीडियो में, सिखाता हूँ आपको कि ट्रैक्टर कैसे बनाते हैं। ये पुलिया नहीं घूम रहा है, बस टाइट हो रहा है। बिल्कुल टाइट है, दिखाओ। खींच नहीं रहा ना ये। चलो इसको ठीक करते हैं। आप ये लेना 8 नंबर का टामी। हाँ पलग है मेरे बहुत, एक नीचे है। कभी भी ये नट रहने हैं टाइट, अगर ये ढीला रहेगा तो रस्सी टूटने का कारण यही रहता है कि अगर दो ही नट है, तीसरा नट नहीं ना, तभी ये रस्सी टूटेगा, क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पाता ना। जब इंजन घूमता है स्टार्ट होने के बाद तो ये भी घूमता है। ये टाइट हो गया इसका, ये वाला ना टाइट है ये बिल्कुल, तब रस्सी भी टूटा ये टाइट। अब इसको ढीला कैसे करना है अब ये बताता हूँ तुम्हें। पहले अब खोलना पड़ेगा हमें प्लग, पहले खोलना पड़ेगा स्पार्क प्लग। इधर को खुलेगा, उधर को खुलेगा। पलक कर रख, नीचे रख दे इसको। पलक खुल चुका है, अब चेक करना पड़ेगा हमें इंजन ऑयल कितना है इस पर। वो पलाश निकालो सरता जी, इंजन ऑयल बिल्कुल नहीं है इसमें। इंजन ऑयल कम होने के कारण भी जाम रहता है ये, समझ रहे हो। थोड़ा उठाओ तो पीछे से ट्रैक्टर, कितना है इसमें, और उठाओ उठाओ और उठाओ, बस रख दो। बिल्कुल नहीं है इसका मतलब आपका पिस्टन खराब है। धुआं धुआं छोड़ रहा है ट्रैक्टर, हाँ तो धुआं छोड़ने का मतलब तुम्हारा पिस्टन खराब है। पिस्टन खराब होने से क्या होता है, धुआं छोड़ेगा तो इंजन ऑयल, जो इंजन ऑयल का क्वांटिटी है ना वो कम ही रहता है। इंजन ऑयल का क्वांटिटी कम रहेगा तो ख़त्म जब हो जाएगा इंजन में तो हर चीज़ जाम चलेगा, और ज़्यादा गर्म भी हो रही होगी ये ट्रैक्टर। हाँ इंजन बनाया होगा ना आपने जिस दिन डाला इंजन ऑयल, तो कम डाला है या तो गियर ऑयल डाला होगा आपने उस दिन। इंजन ऑयल बिल्कुल नहीं है, इंजन ऑयल बिल्कुल नहीं होगा तो खींचने में भी टाइट रहेगा। दो ही कारण होता है, या तो इंजन ऑयल ज़्यादा होने से भी होता है टाइट ये। इंजन ऑयल अगर ज़्यादा डालोगे ना तो इंजन ऑयल ज़्यादा डालने से क्या होता है, यहाँ आ जाता है तेल सब, तो ये प्रेशर नहीं बन पाता इंजन में, पिस्टन ना ऊपर नीचे नहीं हो पाता, तब भी जाम रहता है। और यहाँ तो इंजन ऑयल बिल्कुल नहीं होगा तब भी जाम रहता है, तो इसको ही बोलते हैं इंजन शीज बोलते हैं, जो इंजन शीज हो गया बोलते हैं ना। इंजन शीज हो गया तो बाइकों में भी नहीं होता, जब इंजन शीज होता है बाइकों में तो किक नहीं पड़ता,
जाम हो जाता, हर चीज जाम हो जाता है। वही इनका भी, इनको भी इंजन ही हुआ, गाड़ी हुआ है एक तरफ से। ये तो बहुत ही कम है, चलो ये डाल के अभी चला देता हूँ, थोड़ी देर में इंजन और दुकान से लेके आना, फिर डालना इसमें, ठीक है। पूछ करते हैं बीच में, भिडियो आखा बनाउनु न आदिम नि घर भएर सिकन आदिम मेयर जाना जरुर नै हो वीडियो में आदि में उन बेचारों का भी पैसा बढ़ जाएगा ना। कल है ना छोड़ दिया तो कुछ तो गाइस, ऑयल डालने के बाद ये देखो ये ढीला हो चुका है, ये आराम से घूम रहा है। अब जो कमी था इसमें इंजन ऑयल सूखने से ही हुआ था, ये सब इंजन ऑयल डालते ही ये ठीक हो चुका है। ये वो तो शुगर है, इन्होंने ज़्यादा नहीं चलाया, नहीं तो इंजन सीज हो जाता इनका। तो गाइस अब करते हैं प्लग फिट, तो गाइस प्लग लगा चुका हूं मैं। अब ये इनका ये पुराना रस्सी भी टूट चुका है और ये भी पुराना हो चुका है, ये बिल्कुल पुराना है, ख़राब हो चुका है, तो इसको मैं अभी नया लेके आया हूँ, तो ये नया लगा दे रहा हूँ। इसको भी बना दूँगा लेकिन अभी ये नया ही लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो नया ही लगा देता हूँ। ये धुआं तो मार दिए तभी तो पिस्टन खराब हो रहा है इसका। एक बार खाली आगे को आओ बस, मेरा ट्रैक्टर बना दिया था आपने, और जैसे मेरा जो मैकेनिक बुलाता था वही घर में काम हो गया कुर्सी में ही, और धन्यवाद बहुत बहुत। और बहुत दिनों से ख़राब हुआ था ट्रैक्टर, आज सालों आ बना दिया। धन्यवाद नकुल भाई, मेरा काम जो ट्रैक्टर ख़राब हो रहा था बहुत बढ़िया ढंग से सुधार दिया, और इसीलिए बहुत धन्यवाद। जो पूरा जाम हो रहा था ट्रैक्टर मेरा और ऑयल के, उसे वो भी बना दिया, और जो भी समय उसमें थी सब ऑनलाइन क्लियर कर दिया, मतलब ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है। तो अगर जिस भाई को भी परेशानी है ट्रैक्टर के बारे में, समस्या है, तो वो पीटी आके संपर्क करें और
वो गांव घरों में भी सेवा करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।